वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, ये चल रही है हमारी पीएचपी की सीरीज और इसमें हम सीख रहे हैं MySQL को, और MySQL में आज हम सीखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस को। सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी चैनल को और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। तो इन सभी एग्रीगेट फंक्शंस को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इस वीडियो में, तो इस मंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे एग्जाम्प ओपन किया, अपैची को यहाँ पे स्टार्ट किया और MySQL को स्टार्ट कर लिया, और हमने जो अपना कनेक्शन बनाया था MySQL वर्कबेंच के अंदर वो कनेक्शन भी ओपन कर लिया। और इसमें मैंने एक टेबल बनाई है EMP3 के नाम से, यानी Employee 3 के नाम से टेबल बनाई, जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉई हैं, जरूरी नहीं है ये 8 ही एम्प्लॉई हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई हो सकते हैं इसमें। उनके एम्प्लॉई नेम, एज, फ़ोन नंबर, जेंडर, सैलरी और सिटी, ठीक है, ये टेबल हम देखते हैं। और इस टेबल के अंदर अब हमने ये देखना है कि टोटल एम्प्लॉई कितने हैं, या फिर हमने ये चेक करना है कि जो सैलरी है इसमें मैक्सिमम सैलरी कितनी है, किस एम्प्लॉई की है, मिनिमम सैलरी कितनी है और किस एम्प्लॉई की है, और जो सैलरी हम टोटल दे रहे हैं ये टोटल सैलरी कितनी हम दे रहे हैं। इस प्रकार की जितनी भी कैलकुलेशन है इनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस जिनका नाम है सम, मैक्स, एवरेज, मिनिमम, काउंट, है ना। तो यदि हमने ये देखना है कि टोटल कितने एम्प्लॉई हैं, यानी कि कितने रिकॉर्ड हमने लिए हैं, तब हम यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन। और उसका सेंटेक्स हम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ सेलेक्ट के बाद स्टार की जगह हम यूज़ कराएंगे फंक्शन काउंट का, और काउंट फंक्शन के अंदर हमने कौन से कॉलम से काउंट कराना है, कोई भी कॉलम हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे करूँ नेम कॉलम का यूज़, कि हमने नेम कॉलम से फ्रॉम कहाँ, एम्प्लॉय 3 वाली टेबल के अंदर हमने यहाँ पे काउंट करना है। तब हम यहाँ पे रन कराएंगे अब इसको, देन ये कह रहा है टोटल 8 एम्प्लॉय हैं। और जब हम सारे काउंट ही कर रहे हैं, हमको किसी कॉलम की या किसी फील्ड के नेम की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे नेम की जगह स्टार्स भी यूज़ कर सकते हैं, एस्टरिस्क, और फिर रन कराएंगे तो भी ये क्या काम करेगा, ये ऑल और काउंट करके हमको दे देगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे मेन नाम नहीं आ रहा कोई भी, है ना। अगर भी हमको ऐसा चाहिए कि कोई भी कॉलम नेम यहाँ पे हम दिखाएं, कोई टेम्परेरी नेम यहाँ पे डालना है, तब हम कैसे डालेंगे, देखो मान लीजिए मैं यहाँ पे काउंट का फंक्शन ही यूज़ कर रहा हूँ और काउंट कर रहा हूँ मैं नेम से, तो इसका हम एक एलियस नेम दे देंगे। उसके लिए हम करेंगे एज, और इधर मैं नाम दे दूँ टोटल एम्प्लॉई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया स्पेस, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा नाम के अंदर, ठीक है, अंडरस्कोर आएगा, और इसको हम रन कराएंगे फिर से। देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल एम्प्लॉई 8 है ना। तो इस प्रकार से हम एलियस नेम भी दे सकते हैं, मल्टीपल सेल भी दे सकते हैं। किस प्रकार देंगे मल्टी सेल वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे काउंट करके देखते हैं, या फिर मैक्सिमम देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैक्स वैल्यू देखेंगे एज मैक्स, और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे मैक्स का, और कौन से कॉलम में से देखना है उसके लिए हम यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी देख रहे हैं ना, तो सैलरी के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम का, ठीक है, और मैक्सिमम देखना है, रन करा लेंगे। देखो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी है वो 35,000 है। अब साथ हमने ये भी देखना है कि किसकी सैलरी है, उसका नाम भी चाहिए। तब देखो यहाँ पे हमने एज मैक्स लिया टोटल, और यहाँ पे हम एक फील्ड और ले लेते हैं, कोमा डाल के मैं यहाँ पे फील्ड का नाम डाल देता हूँ दूसरा नेम, ठीक है, नेम से भी ले लेंगे, बस रन करा लेंगे। तो यहाँ पे साथ में नेम भी आ जाएगा, हरीश की सैलरी है 35,000, कहाँ का हरीश, हमने सिटी नंबर भी साथ में चाहिए, तब हम कोमा डाल के वो फील्ड भी लिख देंगे। इसी प्रकार यदि हमने मिनिमम देखना है, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे MIN फंक्शन और रन करा लेंगे। मिनिमम सैलरी है वो हरीश की है, 15,000 है। साथ में हमको देखो यहाँ पे जो टेम्परेरी नेम लिया था ये भी बदलना पड़ेगा, ये मैक्सिमम दिखा रहा है, हमने यहाँ पे मीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं इसको तो हटा दूंगा, क्योंकि बार बार मेरे को चेंज करने पड़ेंगे, तो इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये आप अगर देखना चाहें जिस भी प्रकार से, तो मैंने आपको समझाया कि कैसे हमने यहाँ पे टेम्परेरी कॉलम नेम लेने हैं। सम हमने करके देख, टोटल सैलरी हम कितनी दे रहे हैं, हमने सम कराना है सैलरी में से, तब हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर लेंगे ओनली सम का। और इसी प्रकार एलियस नेम के अंदर हम डाल देंगे टोटल, बस रन करा देंगे, तो जो टोटल सैलरी दे रहे हैं वो 1,80,000 रुपये दे रहे हैं। अब एक चीज़ और थोड़ी सी देखो, यहाँ पे हमने देखना है टोटल सिटी कितनी है हमारे पास, थोड़ी सी परेशानी है ना। आप देखोगे यहाँ पे काउंटिंग 8 दिखाई थी, मैं यहाँ पे स्टार यूज़ करके और रन कराता हूँ,
तो देखो आठ दिखाई थी कंट्री हमारे पास, तो सिटी भी आठ ही होंगी। नहीं देखो सिटी रिपीटेड है हमारे पास, यूनिक तो एक दो तीन और चार ही सिटी है ना, तो चार ही दिखाना चाहिए। यदि हम यहाँ पे सिंपली काउंट यूज़ करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम सिटी, तो क्या दिखाएगा ये, टोटल सिटी काउंट करके दिखा देगा आठ। आठ तो सिटी नहीं है, यूनिक हमने देखनी है। तब हम यहाँ पे इससे पहले यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट फंक्शन का, और डिस्टिंक्ट मैंने लास्ट वीडियो में शायद आपको बताया था, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। यदि रेगुलर यूज़र है तो आपने देख ही लिया होगा, यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो वीडियो भी हमारे ज़रूर देखें। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट का, और डिस्टिंक्ट के बाद लिखेंगे सिटी, और अब रन करा देंगे। देखो चार ही सिटी हैं टोटल, दिल्ली, जीजीएन, अम्बाला, और एक और थी कौन सी थी, गोवा, गोवा नहीं थी मुंबई थी, है ना, आपने देखा था मुंबई थी, चार ही जो सिटी थी यहाँ पे। एक फंक्शन और बचता है एवरेज का, ये भी एग्रीगेट फंक्शन कर के अंदर ही आता है, ये सारा ही हट गया। सेलेक्ट हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ कराएंगे एवीजी, एवरेज किसकी निकालेंगे, एवरेज भाई एवरेज तो नुमेरिक पे काम करेगा। ये क्या हो रहा है ये भाई, सारा हट रहा है। सेलेक्ट एवीजी, और हमने ये देखना है सैलरी से, ठीक है, तो एवरेज बेस सैलरी कितनी पड़ती है, तब हम इसको रन करा के देखेंगे। रन कराएंगे इसको हम, तो एवरेज बेस सैलरी पड़ रही है वो 22,500 पर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग पड़ती है। तो इस प्रकार से हम इन एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके इनको अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।